2021 में आई बिकेम द यंगेस्ट जज, हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट जज, जहाँ पे मैंने इसराइल के प्रधानमंत्री को भगवद गीता भी गिफ्ट की थी। उनकी वजह से आई थिंक इंसान को कभी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, जिनके वजह से वो आज यहाँ पे पहुँचा हो। आई डोंट थिंक सो कि मैं जस्ट अपनी वजह से इस मुकाम पे यहाँ पहुँची हूँ। आज मिस यूनिवर्स का फिनाले है, मिस यूनिवर्स इंडिया का फिनाले है, जयपुर आए हैं आप, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली वेरी थैंकफुल। 2021 में आई बिकेम द यंगेस्ट जज, हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट जज एट द मिस यूनिवर्स, जहाँ पे मैंने इसराइल के प्रधानमंत्री को भगवद गीता भी गिफ्ट की थी। और आज 2024 में दोबारा माई रिटर्न एज अ जज एट द प्रेस्टिजियस मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मैं उन सभी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ऑल माई मेंटर्स, मेरे शुरुआत से जब मैं टीनेजर थी, राइट फ्रॉम डायना हेडन मिस वर्ल्ड जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, उसके बाद सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स लारा दत्ता, मैं इन सभी के बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने, उनकी वजह से आई थिंक इंसान को कभी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, जिनके वजह से वो आज यहाँ पे पहुँचा हो। उसी आई वुड लव टू क्रेडिट ऑल दीज थ्री अमेजिंग वेमेन, नॉट जस्ट दीज थ्री, माई मदर मिस मीरा राउटेला एंड ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीबडी आउट देयर, कि जिन्होंने, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं जस्ट अपनी वजह से इस मुकाम पे यहाँ पहुँची हूँ। आई रियली फील कि एक कॉम्बिनेशन है, इतने सारे सभी लोगों का आशीर्वाद है, और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और मेरी नज़र में जितनी भी गर्ल्स आज पार्टिसिपेट कर रही हैं, सभी विनर्स हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 क्राउन हुई थी, आप एक विनर में आज क्या देखिए कि आप जज भी करना चाहिए? जी, मेरी नज़र में द गर्ल हैज़ टू बी वेरी ओवरऑल पैकेज। एक ऐसी लड़की जो मिस यूनिवर्स में जब रिप्रेजेंट करे तो बहुत ही अच्छे से हमारे देश का नाम बहुत रोशन करे, और साथ ही साथ आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सनैलिटी, अ ओवरऑल पैकेज, अ गर्ल हु इज, बिकॉज मिस यूनिवर्स का ताज जीतना सिर्फ एक क्राउन ही नहीं है, उसके आगे इट्स वे बियॉन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आई थिंक शी द गर्ल हैज़ टू बी लाइक ओवरऑल पैकेज एंड very a beautiful with an amazing heart, all these factors.